गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ का मंदिर देख के दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, जगन्नाथ मंदिर। भाई हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा है, और जितना हम पूरी आए हुए थे तो हमारा आई मीन सर ही बोलिए, हमारा एक फैशन सब्सक्राइबर है। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियोस में। तो गाइस जैसे कि रांची का आज मेरा दूसरा दिन है, और आज हम लोग जा रहे हैं पूरी का सबसे बड़ा मंदिर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रथ मेला होता है करके। तो जगन्नाथ मंदिर हम लोग कभी पूरी कभी आए ही नहीं थे फर्स्ट टाइम, तो भाई सोचे आए हैं फिर कब आएंगे कब नहीं, तो सबसे जगन्नाथ की कवर कर लेते, जगन्नाथ मंदिर जो है कवर कर लेते हैं, और साथ ही आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ पे कि हमारा जो जगन्नाथ मंदिर कितना बड़ा है, कैसा है कैसा नहीं है। आप लोग देखे हैं नहीं देखे हैं बाहर जाए अंदर अलाउ नहीं, कोई बात नहीं बाहर से भी दिखा देंगे। वही खुश हो खुश हो, यस खुश हो, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर में हम लोग बस पहुंच जाएंगे, अभी ऑटो में बैठ चुके हैं गाइस देख सकते हैं, और चलते चलते हैं यहाँ से। और आप लोग को पूरी का थोड़ा सा छोड़ दिए। अब यहाँ से हम लोग को बोल रहे कि 100 मीटर 200 मीटर चल के जाना होगा, थोड़ा पास में ही है, तो अभी हम लोग यहाँ से फिर चलते हुए चलेंगे। चलो कुछ कुछ के जाना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता ही नहीं है हमको, टोटल ही नहीं। चलिए चलते हैं, पता नहीं और कितना दूर जाना होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना दूर तो हम लोग चल के आ गए हैं, मुझे लगता है 100 मीटर हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और चलते हैं अंदर देखते हैं, और हो सके आसपास में देखो कोई दिख भी तो नहीं रहा है, आगे में दिख रहा है, आगे में जाके पूछते हैं कोई अंकल, अच्छा कोई गार्ड दिख रहा है, गार्ड को पूछते हैं मंदिर कहाँ है करके। ठीक है दूर है, अच्छा थैंक यू, इधर बोल के बोल रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे तरफ की ओर चल ही रहे हैं, देखते हैं। हम लोग जगन्नाथ मंदिर देखने गए थे, बट यहाँ पे इतना प्यारे प्यारे मंदिर है और बहुत ही अच्छे अच्छे, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, यहाँ का मंदिर देख के दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना, जगन्नाथ मंदिर। भाई हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा है, और जितना हम लोग अभी तक अंदर गए नहीं बस बाहर से ही है, बट इतना अच्छा लग रहा है दिखने को भी कि क्या ही बताएंगे गाइस। आप लोग को भी जरूर से जरूर दिखाएंगे अभी, देख सकते हैं ये रहा मंदिर गाइस, देख सकते हैं जो कि बहुत ही मतलब बड़ा है, और मैं क्या ही बताऊं। मोबाइल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बेटा, देख सकती मैं, मेरा पीछे में दिख रहा होगा भाई, दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या ही बताएंगे। तो मतलब सबको जितना कोई भी है, आप लोग को बता, देखने वाले लोग सबको खड़े होकर दूर से देख रहे हैं, क्योंकि अभी सबको वहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी बहुत शाम भी हो गया, तो देख सकते रास्ता वास्ता में सभी कोई खड़े होके जितना भी है सभी कोई खड़े होके पूरा देख रहे हैं, और कोई भी चप्पल पहन के नहीं जा रहा है, सब कोई खाली पैर में जा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं सब कोई। और साइड साइड में पुलिस वगैरह भी है, मतलब इतना बड़ा मंदिर है तो भाई यहाँ का हर एक चीज मतलब नियम कानून हर एक चीज मतलब बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, साइड वाइड में जितना भी है इधर सारा मार्केट वर्केट ही लगा हुआ है, मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप कभी भी पूरी आते हैं तो गाइस पूरी जहाँ है मेन वाला समुंदर से ज़्यादा नहीं 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर सामने में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो जरूर से आए एक बार। और मंदिर के अंदर में हम लोग घुसने जा रहे हैं, बट अंदर में ना ही सू ना स्लीपर कुछ भी
अलाउ नहीं है, साथ ही फोन भी अलाउ नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे छोड़ के जाना होगा। अपना सू उतार रही हूँ। पूरी आए हुए थे तो हमारा आई मीन सर ही बोलिएगा, हमारा एक सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा लगा। हम लोग मंदिर की ओर गए हुए थे, पूजा वूजा किए, क्योंकि वहाँ पे फोन अलाउ नहीं था, चप्पल भी अलाउ था, कुछ भी लेके नहीं आ जा पाए। फिर आए और यहाँ से देखिए कुछ कुछ यहाँ से घर वालों के लिए अपना दूर आए, तो कुछ कुछ लेके जा रहे हैं, तो कुछ कुछ यहाँ से जगन्नाथ वाला मूर्ति लेके जा रहे हैं। और देखो आवाज भी अपने लिए काड़ा पहन लिया, गोलू भी पहन लिया, बाबू का भी पहनने के लिए, देखिए उसका गला का, देखिए बाबू को पहना रहे हैं वो, हाँ अभी गला का दे रहे। और लिप्टा भी अपने लिए, देखो ब्रेसलेट, हाँ बिजनेस, देखिए इतना सारा इधर शॉपिंग हो चुका है, मतलब बहुत सस्ता भी मिल रहा था, 10 रुपया कर करके बहुत कुछ ऐसे मिल रहा था। तो आए हैं कुछ तो कुछ लेके चलते हैं, फिर कब आएंगे कब नहीं, तो इससे सस्ता हम लोग बहुत कुछ यहाँ से ले भी लिए। बाकी ये क्या चीज़ है, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है 750। हम लोग पूरी का मार्केट भी घुस लिए हैं, मेरे को स्लीपर लेना था, टूट गया मेरा आज, देख सकते इतना अच्छा अच्छा स्लीपर सब है यहाँ पे, इसमें से कोई एक पसंद कर लेता है, उसके बाद एक वाला दिखा, लेकिन वो बहुत पतला है, कील चाहिए तो थोड़ा सा, कील मेरे को तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है चलो, तभी हम लोग ना पूजा वूजा करके थोड़ा सा दर्शन करके जगन्नाथ जी का, उसके बाद हम लोग रिटर्न अभी घर के लिए आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो मोहल्ला है, जो सिटी है, वो थोड़ा सा गुम हो गए थे, कौन सा गली में घुसना है करके, क्योंकि घर भी एक जैसा है, गली भी एक जैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन हमको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया, 3-4 राउंड मारने के बाद आइडिया हो ही गया, तो अभी स्टार्टली होटल की ओर जा रहे हैं। बाकी इतना इतना सामान सबको ही अपना हाथ में दो दो पकड़ा है, इधर उधर मेरे तरफ, बस लिप्सा बाबू पकड़ा है, बाकी हम लोग जा ही रहे हैं। जस्ट हम लोग रूम पे आ चुके हैं एंड क्या क्या हम लोग खरीदारी किए हैं आप लोग को भी एक बार जरूर से जरूर बताएंगे, वो भी बहुत ही सस्ता दामों में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये रहा हम लोग जहाँ पे गए थे जगन्नाथ जी की, वहाँ पे प्रसाद ही जो कि घर के लिए लेके आए थे, तो एक इसका 30 रुपया करके दे रहा था, बट हमने दोनों लिया तो ये 50 रुपये में हमको फिर दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक सिंदूर रखने वाला जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैंने ये वाला लिया 20 रुपया में, काफ़ी अच्छा है और 20 रुपये में मिल भी रहा था। और देखिए ये रहा सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ जो कि हमारे देवता जी, भगवान जी, इनका मूर्ति हमने लिया, ये भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में। और इधर देख सकते हैं ये रहा ब्रेसलेट, ये 10 रुपया का है। ठीक है, बाकी ये रहा चूड़ी, इधर भी है चूड़ी, मतलब इतना सारा ये सब चूड़ी है। ठीक है, ये सब इतना चूड़ी है, देख सकते हैं ये सब। ठीक है, उसके बाद इधर भी देखिए दो खरीदाई है, इधर भी खरीदाई जगन्नाथ जी के, यहाँ पे कृष्ण जी की भी है, और साथ ही इधर भी ब्रेसलेट है, चूड़ी है, और बाकी ये वाला तो आप लोग जानते ही हो, ये भगवा है करके, इसको भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है। और हम लोग नारियल जो पूजा किए थे, ये रहा नारियल। ठीक है, तो आप लोग को बता दूँ कि हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बहुत जितना मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो उसी हिसाब से बजट हिसाब से हमने कुछ कुछ लेने ज़रूरी समझा, क्योंकि इतना दूर आए हुए हैं और बिना कुछ लिए जाएंगे तो अच्छा बात नहीं है, और जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यहाँ पे गए थे और इस चीज़ को लेके आए थे करके, इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा, तो इसलिए हम ये सब को लेके आए हुए हैं। और आप लोग को कैसा लगा कैसा नहीं है ज़रूर से ज़रूर बताएँ। ठीक है, और अभी जाते हैं थोड़ा देर के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होके डिनर करने के लिए कहीं बाहर की ओर ही चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक ब्लॉग में बने। सो गाइस, अभी हमारा डिनर भी हो चुका है और हमने रूम भी आ चुके हैं रूम पे, और मैंने ड्रेस वगैरह भी धो चुका है, बस मेकअप उतरना बाकी है, कुछ ही देर में काम ये चुटकी में हट जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और जो पूरी वाला जो मैंने आज मंदिर दिखाया जगन्नाथ वाला मंदिर, आप लोगों को ऐसा लगा, कितना लोग आए हैं नहीं आए हैं, सब कुछ प्लीज़ बताना, क्योंकि आप लोग आए थे उस टाइम, मतलब मोबाइल अलाउड था नहीं था, मुझे सब कुछ जानना है, क्योंकि हम लोग को तो टोटल ही मोबाइल अलाउड ही नहीं था, साथ ही में ना ही कुछ भी ऐसा जो कि लेकर जाए, चॉकलेट भी साथ अलाउड नहीं था, क्योंकि जब मैंने बाबू के लिए अपने बैग पे छोटा सा कैरी बैग उसमें डाला था, कि रुक रुक लगता है कभी कभी, तो मैं चॉकलेट वकलेट खिला के इसको थक देती हूँ, तो क्या हुआ ना, मतलब वो भी हम लोग का अलाउ नहीं किया गया। तो इसकी वजह से मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आप लोग जब आए थे उस टाइम में क्या था रूल्स जो होता है पालन,
बट मेरा टीम में ऐसा है करके, ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर बताना, हम मिलते हैं आप सबसे न्यू ब्लॉग के साथ। बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं पूरी की, तो खूब इंजॉय करें आप लोग भी, ठीक है? तो गुड नाइट। चलो गुड नाइट बोलो, बहुत परेशान करता है।